हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज के इस सेशन में अपन देखने वाले हैं जो हमारे टिलेज इम्प्लीमेंट्स है उनको देखेंगे। तो इस सेशन में मैं आपको बता दूं, इस सेशन में अपन इनके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले कि इनके क्या क्या फंक्शन है, क्या कुछ हो रहा है, वो उसके लिए अलग से सेशन होगा। तो उसमें अपन इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि ये सेशन होने से पहले आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हैरो कैसा दिखता है, प्लाउ कैसा दिखता है, एमबी प्लाउ कैसा दिखता है, या फिर चीजल प्लाउ कैसा दिखता है, सब सोइलर कैसा दिखता है। तो अगर आपको ये पहले से आइडिया होगा, इनकी इमेज आपके दिमाग में पहले से बन जाएगी, तो आप आधे से ज़्यादा फंक्शन तो आपको वैसे ही इनके याद हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको क्या करूँगा, इस सेशन में आपको क्या करने वाले हैं, अपन इनके सभी की इमेज देखेंगे, इनके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। इस सेशन में सिर्फ इमेज देखेंगे और नाम पढ़ेंगे, इमेज के साथ इनका नाम बताएंगे भाई इस ये हैरो इसका नाम और उसका जो डायग्राम है वो इसमें आपको देखने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि जब हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे, जब टिलेज इंप्लीमेंट्स पढ़ेंगे, तो आपको क्या होगा, इजीली आपके दिमाग में क्या होगा, ये चीज़ें फिट हो जाएगी और आपको चीज़ें देखकर या ऐसे बार बार में रिमेंबर करने की याद नहीं पड़ेगी। इनके फंक्शंस आपको वैसे भी आधे से ज़्यादा याद हो जाएंगे। तो एम बी प्लाव को सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, उसका डायग्राम अगर देखोगे तो एम बी प्लाव आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इसको आप डायग्राम अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सिर्फ इमेज की बात करेंगे, बाकी इसके लिए जो पूरे डिस्कशन करेंगे फंक्शंस के बारे में, इनके जो सारी चीज़ें हैं किस चीज़ का बना होता है, वो अपन अलग से इसका सेशन होगा तो उस टिलेज इंप्लीमेंट्स वाले उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं तो एमबी प्लाव कुछ इस प्रकार का दिखता है, देख लीजिएगा। डिस्क प्लाव आपको देख रहे हैं तो यहाँ पे गोल गोल डिस्क दिख रहे होंगे और ये डिस्क प्लाव है जो कि ट्रैक्टर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट वुडन प्लाव यहाँ पे दिख रहा होगा, दो बैर है, एक आदमी है जो पीछे से उसके क्या कर रहा, प्रेस कर रहा है, जिससे कि उस पर क्या होगा, जो प्लाव है उस पर क्या होगा, वजन क्रिएट होगा। तो इसके अंदर वजन क्रिएट होने से क्या होगा, इसके ऊपर अच्छे से डीपली जा पाएगा और अच्छे से क्या होगा, इसमें प्लाउ हो पाएगा। तो ये वुडन का लकड़ी का बना हुआ होता है और नीचे इसके क्या होता है, चीजर लगा होता है, वो बाकी अपन बाद में इसमें पढ़ लेंगे। देन रोटेटरी प्लाउ देख लीजिए आप, ट्रैक्टर ऑपरेटेड है, इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है ट्रैक्टर का, तो इसके अंदर क्या है, रोटेट करता है, जो कि ये रोटेटरी टाइप ही है, आपको प्लाउ दिख जाएगा। ये सभी भी प्लाउ है, प्लाउ के एग्जाम्पल है। सबसोइलर का यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, तो वो अपन बाद में देख लेंगे। सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स में कुछ देख लेते हैं, इनके हैरो कुछ देख लीजिए, हैरो इस प्रकार का भी होता है और ऐसा भी होता है जिसके अंदर कट्स लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे, तो यहाँ पे कट्स आपको दिखेंगे इस हैरो के अंदर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे हैरो के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्योंकि हैरो आपको ऐसा भी दिखेगा, तो इनका नाम हैरो ही है, लेकिन इसके अंदर किस प्रकार के कटिंग टूल्स होते हैं वो अलग इस बेसिस पे उसके डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे आपको अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, बेसिकली है एक जैसे ही, फंक्शन एक ही है, लेकिन इसकी थोड़ी सी डिजाइन या थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या है इनका डिफरेंट आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट अपन बात करें स्पाइक टूथ हैरो की बात करें, तो यहाँ पे स्पाइक टूथ ऐसा कुछ आपको दिखेगा इसके अंदर, जैसे स्पाइक्स इसके अंदर निकले हुए होंगे, कांटे से कांटे जिनको अपन बोलते हैं एक तरीके से, तो ऐसा आपको स्पाइक टूथ हैरो दिखेगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे स्प्रिंग टूथ हैरो की, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको स्प्रिंग लगी हुई दिखेगी, स्प्रिंग की तरह ये क्या है, गोल ऐसे मोड़े हुए हैं जो आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर ऐसे, जिससे क्या होगा कि ये जो जब ऊपर या नीचे करेंगे इसको, तो इजीली एडजस्टेबल इनकी जो डेप्थ है वो एडजस्टेबल होगी, ऊबर खबर जमीन में भी एक लेवल पे ये क्या करेंगे, काम कर सकेंगे। नेक्स्ट अकीम हैरो में देखेंगे तो आपको अकीम यहाँ पे आपको एक तरीके से चाकू जैसा जो स्ट्रक्चर है, तलवार जैसा स्ट्रक्चर है, वो आपको यहाँ पे अकीम हैरो में नजर आ रहा होगा। तो ये अलग फंक्शन करता है, इनके फंक्शन अपन मैं बता रहा हूँ कि अपन वो जो स्पेशल लेक्चर होगा इसके बेसिस पे ओनली उस पर काम करेंगे। यहाँ पे पटेला हैरो दिख रहा होगा आपको, पटेला हैरो में क्या होता है, पाटा लगा हुआ होता है पीछे, तो हैरो के साथ साथ पीछे क्या होता है, लेवलिंग भी साथ साथ में यहाँ पे चलती रहती है, इसका डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, इसमें ये हुक लगा हुआ है, इसमें पाटा लगा हुआ होता है सॉरी। नेक्स्ट ट्राइंगुलर हैरो दिख रहा होगा, शेप भी इसकी ट्राइंगुलर है और इसमें क्या स्पाइक्स लगे हुए हैं और ये ट्राइंगुलर शेप का होता है, इसलिए ट्राइंगुलर हैरो इसको बोल दिया गया। नेक्स्ट ब्लेड इसके अंदर लगी हुई है, तो इसको ब्लेड हैरो बोला गया। यहाँ पे आपको ब्लेड्स दिख जाएगी, तो यहाँ पे ब्लेड्स यहाँ पे दिख जाएगी, तो ये ब्लेड हैरो हो जाएगा। नेक्स्ट घंटू का जिसको बोलते हैं, घंटू का कुछ इस प्रकार का दिखता है, इसके फंक्शंस आपको पढ़ाएंगे तब और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन बेसिक सा एक स्ट्रक्चर रखिए, आपको ये डायग्राम इजीली समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसी होती है, तो आपको इमेजिनेशन में इमेज आएगी आपको पढ़ते टाइम में, अगर क्वेश्चन आता है तो ईजिली आपको रिमेंबर कर पाओगे। रेसिप्रोपेटिंग पावर हैरो अपन देखेंगे, तो ये ऐसा कुछ आपको दिखेगा जो कि मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज होती है वहाँ पे यूज किया जाता है। बंड फॉर्मर, जैसे कि हम बंड्स बनाते हैं बीच बीच में हमारी फील्ड के अंदर, तो ये बंड फॉर्मर आपको कुछ ऐसा दिखता है, इसको मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ आपको दिखेगा। नेक्स्ट रिच अगर बनानी है, हमें क्यारियाँ बनानी है, तो उसके लिए आपको इस इक्विपमेंट को यूज करना पड़ता है जो कि ऐसा दिखता है।
लेवलर की बात करें तो ये लेवलर है जो कि जमीन को लेवल करने में काम में आता है। उबड़ काबड़ जमीन है तो उसको लेवल करने में ये लेवलर काम में आता है। नेक्स्ट कल्टीवेटर्स की बात करेंगे तो कल्टीवेटर्स जो कि इस प्रकार का आपको हल दिखेगा एक तरीके से, तो इस ऐसा कल्टीवेटर होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ उनके फंक्शंस अपन अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि कौन सा जो इक्विपमेंट है वो कैसा दिखता है। यहाँ पे ट्रेल्ड टाइप कल्टीवेटर आप देखोगे जिसको घसीटा जाता है वो ट्रैक्टर के पीछे लगा के, वो आपको कुछ ऐसे नज़र आने वाले हैं। ये माउंटी टाइप है, ये आपको ऐसे दिखेगी जिनके पीछे भी टायर लगे हुए होते हैं, जैसे इसके पीछे टायर लगे हुए हैं तो इसको घसीटा नहीं जाता, इसके पीछे टायर होता है जो अपने आप जब ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं तो अपने आप ये चलने लग जाता है। तो ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स थे जो आई होप आपको प्राइमरी और सेकेंडरी जो इक्विपमेंट्स वो आपको क्लियर हो चुके होंगे कि कैसा कौन सा इक्विपमेंट कैसा दिखता है। और दोबारा देखने के लिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है एग्री कॉन्सेप्ट का, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाऊंगा मैं वीडियो के। तो वहाँ से क्या करना है आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा, वहाँ पे इसकी PPT आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको क्या हुआ इजीली क्लियर हो जाएगा। और साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई क्यूरी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको ज़रूर रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। मैंने बता दिया आपको इसके लिए जो प्राइमरी हो उनको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए अलग से सेशन होगा। ये आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए था, क्योंकि हम जब इसको पढ़ें तो आपको क्लियर हो कि कौन सा हैरो कैसा दिखता है, आपके दिमाग में इमेज रहनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको डायग्राम्स वगैरह दिखा दिए, तो लगभग सभी कवर हो गए। अगर कुछ बचता है तो और भी आगे आने वाले सेशन में उनमें अपन कवर कर लेंगे। तो ठीक है, सचिन को एंड करते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।